तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं केले का अचार। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, केले का अचार ही हम बनाएंगे। केले के अचार को आप तुरंत बनाकर खा सकते हो। शायद ही आपने पहले केले का अचार बनाया या खाया हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और केले का अचार जरूर बनाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे फिर इसे आप लाइक, कमेंट और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कच्चे केले, सौंफ, हरी मिर्च, सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है फिर आप खटाई के लिए इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। थोड़े से तिल, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, साथ में हमें चाहिए हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट, कलौंजी और ये ऑप्शनल है, सरसों का तेल और प्याज कटा हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे और एक लीटर मैंने यहाँ पानी लिया है। जितनी देर में पानी गर्म होगा हम केले को छील लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ 3 कच्चे केले लिए हैं। अब सबसे पहले दोनों साइड से इसे आप इस तरह से काट लीजिएगा और दोनों साइड से काटने के बाद इसे हम पील ऑफ करेंगे। मेरा मतलब है कि इसके हम छिलके को निकाल लेंगे। लेकिन केले को छीलने से पहले आप क्या कीजिएगा कि हल्का सा हाथों में तेल लगा लीजिएगा जिससे कि आपके हाथ जो है वो गंदे नहीं होंगे। तो चलिए इसे अब हम छील लेते हैं। लेकिन इसका जो छिलका है वो बहुत ज़्यादा मत उतारिएगा, सिर्फ ऊपर से जो ग्रीन वाला पार्ट है वही हम निकालेंगे। और छीलने के बाद इसे हम टुकड़ों में काट लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह का मैंने इसे पील ऑफ किया है। जैसा कि आप देख रहे हो इसका छिलका बहुत ज़्यादा मैंने नहीं निकाला है। और छीलने के बाद इसे आप 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। तो सारे केले को इसी तरह से काटना है। पानी भी गर्म है, अब गर्म पानी के अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक का, 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर का और अब डाल देते हैं जो हमने केले छिलकर और काट कर रखे हैं। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ 3 कच्चे केले लिए थे, लेकिन आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो क्वांटिटी को। तो ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 8-10 मिनट के लिए पका लेते हैं। लेकिन बीच में आप चेक भी कर लीजिएगा। मैंने भी एक बार इसे बीच में चेक कर लिया था और ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो हल्का सा हमारा केले का जो छिलका है अलग हुआ है। तो बहुत ज़्यादा छिलका इसका नहीं निकलना चाहिए। जब इस तरह का हो जाए फिर आप गैस को बंद कर लीजिएगा। ये देखिए चाकू से भी मैं आपको दिखा रही हूँ चेक करके। अब हम गैस को बंद कर देंगे और केलों को पानी में से अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रेनर में से अलग कर लीजिएगा, नहीं तो कलछी से भी केलों को आप निकाल सकते हो। अब इन्हें हम ठंडा होने देंगे। जितनी देर में ये ठंडे हो रहे हैं हम मसाले भून लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ सौंफ। हल्का सा इसे हम रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरह से जब सौंफ हो जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे पीस लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा बारीक इसका पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। तो ये देखिए इस तरह का जब ये पाउडर इसका बन जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। और अब हम तवे के ऊपर तिल को रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच तिल के लिए हैं। इनका भी जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए, और ये देखिए तिड़तिड़ा रहे हैं, ये फूट रहे हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें भी पीस लेंगे। तो इस तरह से आप इसे भी पीस लीजिएगा, लेकिन बहुत बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही इसे हम रखेंगे। अब मोटा मोटा इसे हमने कूट लिया है। तो हमारा जो मसाला है वो तैयार है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और दोस्तों ये देखिए केले भी हमारे ठंडे हो चुके हैं।
अब इन्हें हम इस तरह से काट लेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी इसके टुकड़े कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इस तरह से करने से इनके जो शेप है वो अच्छी लगती है। तो इसी तरह से हम लंबे लंबे टुकड़ों में इन्हें काट लेंगे, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो केले हैं वो पके हुए हैं। अगर ज़्यादा हम पतला कर देंगे फिर ये टूट जाएंगे। तो इस तरह से सारे केले को आप काट लीजिएगा। दोस्तों कच्चे केले का जो अचार है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से सारे केलों को मैंने काट लिया है, और ऊपर से आपको ये देखने में थोड़े काले लग रहे होंगे, लेकिन इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, ये ठीक हो जाएंगे जब हम अचार बनाएंगे। तो चलिए एक बर्तन के अंदर डाल देंगे 1 कप सरसों के तेल का। तेल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर हींग डालेंगे, और अब हम गैस को कर देंगे बंद। तो बंद गैस में ही हमने डालना है इसके अंदर कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ 3 प्याज काटे थे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब मसाले डाल देंगे। ये मैंने सौंफ डाल दी, और अब डाल देंगे कुटे हुए तिल। बंद गैस में ही हम सारे मसाले डाल रहे हैं, फ्लेम हमारी बंद है। अगर आपको लगे कि आपका जो तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर आप बर्तन को नीचे उतार कर मसाले डालिएगा। तो चलिए अब इसके अंदर डाल देंगे 6-7 कटी हुई हरी मिर्च, और 2 बड़े चम्मच रेड चिली पाउडर के। मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। इसे मिक्स करने के बाद इसमें हमने डाल दिए कटे हुए केले, 2 चम्मच डाल दिए नमक के या टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का, और 1/2 चम्मच डाल रही हूँ कलौंजी का। फ्रेंड्स अगर आपके पास कलौंजी नहीं है फिर आप स्किप भी कर सकते हो। और खटाई के लिए मैंने यहाँ सिरका डाला है। सिरके से क्या है कि हमारा जो अचार है खराब नहीं होता जल्दी। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप फिर नींबू का रस या इमली भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन इमली को आप पहले पका लीजिएगा। इमली को रस को आप अच्छे से पका लीजिए और तभी फिर इमली डालिएगा, कच्ची इमली इसमें नहीं डालनी है। तो ये देखिए कितना बढ़िया स्पाइसी और क्रिस्पी हमारा अचार बना है, साथ में सॉफ्ट भी है। तो इसे आप तुरंत खा सकते हो, बहुत ही जल्दी हमारा अचार बन जाता है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों कितना आसान है केले का अचार बनाना। अब आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, तभी मेरा वीडियो आपके पास पहुंच पाएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।